बहुत बहुत धन्यवाद मंच पे विराजमान महानुभव, और आज एकम सनातन भारत दल के पहले अधिवेशन में आए हुए भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों से हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स, आज सबका मैं अध्यक्ष की कैपेसिटी में स्वागत करता हूं। शुद्ध हिंदी में बात करना आज ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि आज नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, पूरा भारत वर्ष यहाँ पे आके बैठा है। मुझे लगता है कि हर एक भाषा का सम्मान करके ही मुझे अपना उद्बोधन वक्तव्य रखना चाहिए। सनातन संस्कृति, सभ्यता, धर्म जिस मोड़ पे आज खड़ा है, सनातन की आत्मा यह कह रही है कि ऐसे योद्धाओं की आवश्यकता है जो अपने कंधों पे जिम्मेवारी उठाएं और सनातन के संघर्ष को आगे लेके चले। मुझे लगता है कि आज सब हम उसी भूमिका में यहाँ पे आके बैठे हैं, और सनातन संस्कृति, सभ्यता, धर्म के संरक्षण हेतु राजनीतिक तरीके से, कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी में राजनीतिक तरीके से उस कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए पूरे तरीके से तैयार है। इसकी तैयारी तो 27 मार्च 2023 को ही हो गई थी, जब पहली बार सोशल मीडिया के माध्यम से एकम सनातन भारत दल की घोषणा हुई थी। हजारों क्या लाखों की संख्या में पूरे भारत वर्ष से तभी से इस दल के साथ लोग जुड़ना शुरू हो गए थे, और इस दल की जो आज 23 अप्रैल 2023 को पहला अधिवेशन कन्वेंशन के रूप में ये आज मीटिंग हो रही है, ये ऐतिहासिक क्षण है। ये वो पल हैं जो इतिहास के पन्नों में लिखे जाएंगे, ये वो पल हैं जिन्हें सुनहरी अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि पहली बार आप 800 साल कहें, 1000 साल कहें, या सिंस इंडिपेंडेंस कहें, किसी भी दृष्टिकोण से देखें, संघर्ष लगातार रहा है, लेकिन संघर्ष का एक नया पड़ाव, और इतने सारे योद्धा जिसमें महिला योद्धा है बिल्कुल हमारे सामने खड़ी है, इन्होंने अपने कंधे पर जिम्मेवारी उठा के सनातन को सशक्त करने का उद्देश्य बनाया है। कुछ बातों की घोषणा करना इंपॉर्टेंट है। एकम सनातन भारत दल एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसकी घोषणा 27 मार्च 2023 को हुई, और फिर उसके बाद हमने कहा कि जितने भी इसके मेंबर्स होंगे, फाउंडर मेंबर्स होंगे, वो हरिद्वार में आके, आज जैसे हम आए हैं, फिजिकली यहाँ बैठ के इस पार्टी की घोषणा करेंगे। तो मान के ये चलिए कि फिजिकल घोषणा आज ही इस पार्टी की हो रही है, और आप सबके साथ मिलके आई टेक दिस लिबर्टी एंड दिस प्रिविलेज कि आप सब लोगों की ताकत के साथ यहाँ खड़े होकर आज मैं कह सकता हूँ कि भारत में सनातन संस्कृति, सभ्यता और धर्म की रक्षा हेतु आज एकम सनातन भारत दल एक पॉलिटिकल एक्टिविटी गोज लाइव नाउ। मार्च अप्रैल मई हमारा पहला युद्ध है, नॉर्थ से साउथ, ईस्ट से वेस्ट, एकम सनातन भारत दल सनातन संस्कृति, सभ्यता, धर्म रक्षा हेतु 2024 के चुनाव में अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द कंट्री अपने कैंडिडेट्स उतारेगा, और बहुत मजबूती से 2024 के चुनाव लड़े जाएंगे। आज जो डींगे हांकते हैं ताकि मेंटल पैरालिसिस हो जाए, आपकी सोचने की क्षमता खत्म हो जाए, आप क्रिटिसिज्म तो करें, आप पीड़ित तो हों, लेकिन जब सॉल्यूशन की बार आए तो फिर आपसे पूछे विकल्प क्या है। आज मैं आपसे पूछता हूं, क्या विकल्प है? पूरे भारत वर्ष के सामने क्या विकल्प है? एकम सनातन भारत दल एक नया विकल्प है, और इस विकल्प को 2024 में पूरी मजबूती से उठाके नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, सनातन के संरक्षण हेतु हम ताकतवर तरीके से उतरेंगे। बहुत बार आपने मेरे टीवी इंटरव्यूज में, यूट्यूब पे एकम सनातन भारत दल के सप्त सिद्धांतों के बारे में बोलते हुए सुना होगा, लेकिन आज ये आवश्यक है कि उन सिद्धांतों को डिटेल में आज मैं यहां इलैबोरेटली उस पर बात करूं। आज मीडिया के लोग सामने हैं, पूरा देश हमें सुन रहा है, आज नहीं सुन रहा है तो वीडियो के माध्यम से आने वाले कुछ समय में सुनेगा,
तो ऑन रिकॉर्ड ये सब चीजें लाना बहुत आवश्यक है। एकम सनातन भारत दल के सप्त सिद्धांत ही मुझे लगता है कि ऐसे वो कोर नॉन नेगोशिएबल फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं जिनसे जुड़ के आप हजारों की संख्या में आज यहां पे आए हैं, एक विचार से जुड़ के आप सब हजारों की संख्या में यहां पे आए हैं। और जैसा कि मेरे से पहले भी संदीप जी ने कहा कि यह ऐतिहासिक क्षण है, मुझे नहीं लगता कि भारत के इतिहास में कोई भी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी होगी जिसका पहला अधिवेशन, और जब हम सब लोग व्यक्तिगत तौर से एक दूसरे को जानते नहीं है, इतनी भारी संख्या में संपन्न हुआ होगा, और जिसमें साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, मध्य भारत, नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट इंडिया, ईस्ट इंडिया, सब जगह से रिप्रेजेंटेशन होगी। ये बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं हम सब, और मैंने इसीलिए कहा कि यह ऐतिहासिक क्षण है। पार्टी के सप्त सिद्धांतों पे आए, राजनीतिक पार्टी है बात पॉलिटिकल होगी, 2024 का चुनाव है बात पॉलिटिकल होगी, सप्त सिद्धांत जो हमारे हैं, जो हर एक भारतवासी के हृदय की आत्मा की आवाज है, उन्हें हमने सप्त सिद्धांतों में पिरोने का प्रयास किया है। और ऐसा भी नहीं है कि इन सप्त सिद्धांतों में कुछ और जोड़ा नहीं जा सकता। दूसरा हमारा सेशन जो है उसमें चर्चा में कोई अच्छा विचार आ जाएगा तो बिल्कुल इसमें जोड़ा जाएगा, एवर इवॉल्विंग है। आपको ये जानकारी भी है कि कुछ दिन पहले ही हमने कुछ इसमें अमेंडमेंट्स की थी, इसमें कुछ एडिशंस की थी और इसे एनहेंस किया था। तो देखिए, सप्त सिद्धांत एकम सनातन भारत दल का पहला, भारतवर्ष की सेकेंड बिगेस्ट मेजॉरिटी माइनॉरिटी नहीं रहेगी। हमने ये कहा कि संविधान में संशोधन कर केवल 5% से कम जनसंख्या वाले समाज को ही अल्पसंख्यक होने का दर्जा मिलेगा। अल्पसंख्यक एज अ कॉन्सेप्ट, माइनॉरिटी एज अ कॉन्सेप्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, उस पर हमारे मत पब्लिक डोमेन में है, वो बात साफ है, बात पॉलिटिकल है। संघर्ष कैसे होगा, पहला पड़ाव क्या होगा, पहले पड़ाव में आप सेकेंड बिगेस्ट मेजोरिटी को, जो पिछले 70 वर्ष से इलीगल तरीके से सबवर्सिव एक्टिविटीज करने के लिए माइनॉरिटी स्टेटस का इस्तेमाल कर रही है, उससे विहीन करेंगे। इंडिजिनस धर्म, सनातन धर्म, उन्हें जोड़ के आगे चलना इतने बड़े संघर्ष के लिए, संविधान में संशोधन करना, वो आप उसे एक टैक्टिकल मूव समझ सकते हैं। जब आपने सेकेंड बिगेस्ट मेजॉरिटी को माइनॉरिटी के फ्रेमवर्क से बाहर निकालना है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से कौन से महत्वपूर्ण है, जो संविधान की मूल भावना के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, तो आपको प्रॉब्लम को आइसोलेट करके एड्रेस करना पड़ेगा। इसलिए बहुत सारे लोग जो ये कहते हैं कि आप माइनॉरिटी और मेजॉरिटी के कॉन्सेप्ट में जाते क्यों हैं, मुझे लगता है कि इस दृष्टिकोण से भी देखिए, ये पहला कदम है। हमारे NRIs, OIC और भारत के वो लोग जो विदेशों में बसते हैं, उनकी नेचुरल होमलैंड तो भारतवर्ष ही है। कितने दशकों से संघर्ष कर रहे हैं कि उन्हें भी यहाँ पे ड्यूअल सिटीजनशिप दी जाए, उन्हें भी यहाँ पे वोटिंग राइट्स दिए जाए, उन्हें भी यहाँ पे पूरे राइट्स दिए जाए। हमने कहा कि एकम सनातन भारत दल के सप्त सिद्धांतों में ये रखा जाएगा, भारत को सनातन धर्मियों के लिए केवल एक नेचुरल होमलैंड, प्राकृतिक राष्ट्र हम घोषित करेंगे, ताकि सनातन धर्मी केवल पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में नहीं, विश्व के किसी भी कोने में रह रहा हो, वो यहां पे आके अपनी नागरिकता ले सके जब भी उसे लगे। ये नेचुरल होमलैंड है सनातन धर्मियों का। माइनॉरिटी के संबंध में चूंकि एक एक करके मुझे डील करना है, तो जो संघर्ष हमने किए उस संबंध में, कुछ के संबंध में हमारा युद्ध था वो 2016 में शुरू हुआ। जम्मू कश्मीर के संबंध में, जम्मू कश्मीर के दृष्टिकोण से देखते हुए हमने एक आवाज़ उठाई कि जम्मू कश्मीर में मुसलमान जो हैं वो 2011 के सेंसस के हिसाब से, हालांकि वो फ्रॉड और फज सेंसस है, 70% है, बहुसंख्यक है, लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई सेकेंड ओपिनियन नहीं है कि जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है। तो सुप्रीम कोर्ट में जाके PIL 489/2016 टाइटल्ड अंकुर शर्मा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स, उसके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में हमने जाके बात रखी
कि जम्मू कश्मीर में मुसलमानों को माइनॉरिटी स्टेटस और माइनॉरिटी स्टेटस के चलते जो माइनॉरिटी बेनिफिट्स मिलते हैं वो सिस्टम बंद हो। 2016 से 2018 के बीच में ये केस चला। वहाँ जम्मू कश्मीर में भाजपा और पीडीपी की कोलिशन गवर्नमेंट थी और केंद्र में भाजपा की अभी की जो सरकार है मोदी गवर्नमेंट जो है वो थी। बीच में इन्होंने एक एफिडेविट फाइल कर दिया कि देखिए पिछले 70 साल से जम्मू कश्मीर में मुसलमान अल्पसंख्यक का दर्जा लेके अल्पसंख्यक के लिए आने वाली स्कीम्स का फायदा उठा रहे हैं। ये एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, ये एक सेंसिटिव स्टेट है। अगर आज हम गैर मुसलमानों के लिए आने वाले हक जो अभी तक मुसलमानों को मिल रहे हैं वो उनसे छीन के गैर मुसलमानों को दे देंगे तो बवाल हो जाएगा, मामला खराब हो जाएगा। यानी क्लियरली भारत सरकार और राज्य सरकार ने मिलकर एक एफिडेविट फाइल किया जिसमें उन्होंने वर्चुअली सुप्रीम कोर्ट के सामने द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द कंट्री ये कहा कि जम्मू कश्मीर एक स्पेशल इस्लामिक मुस्लिम डोमेन है, यहाँ पे माइनॉरिटी के जो राइट्स हैं वो मेजॉरिटी कम्युनिटी से नहीं छीने जा सकते। यहाँ पे जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के राइट्स हैं वो मेजॉरिटी कम्युनिटी पिछले 70 साल से ले रही है। मामला बहुत सेंसिटिव है, हिंदुओं के गैर मुसलमानों के जो हक हैं वो उन्हें नहीं दिए जा सकते। अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने एक बार 15,000 का, दूसरी बार 30,000 का सरकारों पे जुर्माना लगाया, केस जैसे तैसे आगे बढ़ा। ज्वाइंट कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई सुप्रीम कोर्ट ने, राज्य सरकार और केंद्र सरकार की ज्वाइंट कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की इस विषय पे इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए। उस ज्वाइंट कमेटी ने जब रिपोर्ट नहीं दी तो सुप्रीम कोर्ट ने और झाड़ा और जिस तरीके से फिर यहाँ वहाँ पर जो प्रोसीडिंग्स चलती थी वहाँ पर जिस सोच से और जिस तरीके से हम केस को पुश कर रहे थे बहुत तेज गति से भी तेज चल रहा था केस चल रहा था और सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार को बांध के रखा था। अल्टीमेटली 12 मार्च 2018 को उस ज्वाइंट कमेटी को केंद्र सरकार और राज्य सरकार को घुटनों पे लाने पे मजबूर हमने किया और केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने लिख के सुप्रीम कोर्ट में दिया कि जो इनकी याचिका में कहा जा रहा है वो बिल्कुल ठीक है और जम्मू कश्मीर में अब मुसलमानों को अल्पसंख्यक का दर्जा नहीं मिलेगा। 12 मार्च 2018 को हमारी ये विजय हुई, लेकिन अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है कि आज अप्रैल 2023 है, जम्मू कश्मीर में आज भी डिस्पाइट अ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट जो गैर मुसलमानों के लिए आने वाले हक हैं, जो हिंदू सिख जैन बौद्ध के लिए आने वाले हक हैं, फंडामेंटल राइट्स जिन्हें आप कहते हैं माइनॉरिटी स्टेटस के चलते, वो आज भी भारत सरकार और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन इल्लीगल तरीके से मुसलमानों को दे रहा है। इसीलिए हमने कहा कि जम्मू कश्मीर की तो बात तो छोड़िए, हम पूरे देश से ही समस्या का निवारण कर देंगे, सेकंड बिगेस्ट मेजॉरिटी को स्टेटस ही खत्म कर देंगे। तो ये हमारे संघर्ष की कुछ, जिसके बारे में डिटेल में दूसरे सेशन में बात होगी, था कि माइनॉरिटी का कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में कैसे आया और किस तरीके से हमने सोचा। दूसरा हमने कहा कि मंदिर और मठों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करवाना है। दूसरा सप्त सिद्धांत है, सप्त सिद्धांत में आप सब लोग विश्वास रखते हैं इसलिए यहाँ पे आए हैं, सब लोग जानते भी हैं, सबके मोबाइल में भी हैं, लेकिन फिर भी आज हमारा पहला अधिवेशन है, इस पे मुझे अपनी बात रखनी है। मंदिर और मठों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करवाना हमारा दूसरा सप्त सिद्धांत रहेगा और इसके साथ ही कश्मीर स्थित भगवान भास्कर सूर्य भगवान के मंदिर, मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि और काशी ज्ञानवापी तीर्थ क्षेत्र की पुनर्स्थापना करना एकम सनातन भारत दल मेरा आपका पूरे दल का दूसरा सिद्धांत रहेगा। सिविलाइजेशनल दृष्टिकोण से आप इसकी सिग्निफिकेंस समझिए, आप सब लोग समझते हैं इसलिए यहां पे आए हैं। जम्मू कश्मीर के संबंध में माता वैष्णो देवी जी के सरकारी नियंत्रण को समाप्त कराने का संघर्ष हमारा ऑलरेडी जम्मू कश्मीर में चल रहा है। आज बारीदार कम्युनिटी के कुछ लोग भी यहाँ के आपके बीच में उपस्थित हैं और रात को लेट पहुँचे थे। बारीदार कम्युनिटी वो कम्युनिटी है जो संप्रदाय है, रिलीजियस डिनोमिनेशन लीगल टर्म्स में, जिन्होंने माता वैष्णो देवी मंदिर की श्राइन की वहाँ पे स्थापना की थी 8वीं-9वीं शताब्दी में। आज उनके बिहाफ पे स्वयं मैं ही जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट में सरकार का माता वैष्णो देवी से सरकारी नियंत्रण समाप्त करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। 2021 में उस रिट पिटीशन में जवाब आया, भाजपा की सरकार ने जवाब दिया और सीधे तौर पे कह दिया कि माता वैष्णो देवी मंदिर का कंट्रोल जो है वो हिंदुओं को वापस नहीं दिया जाएगा। सरकार ने कहा कि सरकार के पास ही इसका नियंत्रण रहेगा। वो मैटर अभी फाइनल स्टेजेस में है,
फाइनल प्रोसीडिंग्स उस मैटर में होनी है, कितना समय लगेगा अभी कहा नहीं जा सकता, 2 महीने में भी हो सकता है, 6 महीने में भी हो सकता है, 1 वर्ष भी लग सकता है, आप जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के बारे में चीज़ें समझते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके से पूरे भारत से जन समर्थन उमड़ रहा है इस सप्त सिद्धांत को लेके, आने वाले कुछ समय में इस संघर्ष को भी हम कोर्ट के माध्यम से जीत लेंगे। और अगर नहीं भी हुआ तो फिर 2024 के चुनाव में तो हम जा ही रहे हैं। मुझे लगता है कि पूरे भारतवर्ष का उतना सहयोग मिलेगा कि दूसरे सप्त सिद्धांत को 2024 से 29 के बीच में ही हम इंप्लीमेंट करने की परिस्थिति में रहेंगे। तीसरा सप्त सिद्धांत जिसके बारे में बहुत हम चर्चा करते हैं और इसी पृष्ठभूमि में हमारा संघर्ष भी रहा, जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन करने का है। कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट, हिंदू बहुल जम्मू राज्य को एक इंडिपेंडेंट अलग राज्य बनाने का हमारा तीसरा सिद्धांत है। और ये कोई ना समझे कि ये जम्मू कश्मीर की लोकल पॉलिटिकल नीड्स को दृष्टिकोण में रख के निर्णय लिया गया है, नहीं, सनातन के इस्लामीकरण के लिए हिमालय का इस्लामीकरण आवश्यक है और हिमालय का इस्लामीकरण में नॉर्दर्न इंडिया का इस्लामीकरण इंपॉर्टेंट है, विद इन नॉर्दर्न इंडिया जम्मू संभाग का इस्लामीकरण क्रिटिकल है। और इसी षड्यंत्र के चलते पाकिस्तान ISI पैन इस्लामिक जिहादी ताकतें जो है उन्होंने जम्मू संभाग का इस्लामीकरण बहुत तेजी से करना शुरू कर दिया। 90 के दशक में हिंदुओं को कश्मीर से निकाला गया, कश्मीर का इस्लामीकरण हुआ, हिंदू विहीन कश्मीर हुआ, और उसके बाद डेमोग्राफिक चेंजेस इंट्रोड्यूस करके, डेमोग्राफिक असॉल्ट, डेमोग्राफिक इन्वेजन के माध्यम से, लैंड जिहाद के माध्यम से जम्मू संभाग का भी इस्लामीकरण हुआ। और कहा यह जाता है कि जम्मू संभाग का इस्लामीकरण करने के बाद जम्मू संभाग को एक लॉन्च पैड के तौर पे, एक स्प्रिंग बोर्ड के तौर पे इस्तेमाल किया जाएगा हिमालय और सनातन के इस्लामीकरण के लिए। तो इतने बड़े हमले का जवाब जो है वो एकम सनातन भारत दल देने के लिए खड़ा है। और हम ये कहते हैं कि जम्मू संभाग को अलग करवा के कश्मीर संभाग को 2 हिस्सों में तोड़ के इस प्रोसेस को रिवर्स करेंगे। कैसे करेंगे, सवाल वो है। कश्मीर का इस्लामीकरण हुआ, कश्मीर को 2 हिस्सों में तोड़ेंगे, 1 केंद्र शासित प्रदेश में उन हिंदुओं को बसाएंगे जो हिंदू नरसंहार के चलते वहां से विस्थापित हुए, एक स्ट्रॉन्ग हिंदू जियोपॉलिटिकल फुटहोल्ड कश्मीर वैली में स्थापित किया जाएगा केंद्र शासित प्रदेश के रूप में, रोशनी कानून के माध्यम से जहां सरकारी जमीनों पर मुसलमानों को बनाने का बसाने का षड्यंत्र किया गया, 14 फरवरी 2018 का चीफ मिनिस्टर बीजेपी PDP की चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती का आदेश जिसके चलते मुसलमानों को लीगल इम्यूनिटी दी गई जम्मू संभाग में जमीनों पर कब्जा करने के लिए, कह दिया गया 14 फरवरी 2018 के क्लासिफाइड सीक्रेट संदेश में, उस ऑर्डर में, कि अगर कोई मुसलमान जम्मू संभाग में जमीन पर कब्जा करेगा कोई DMSSP उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा, लिखित में आदेश जारी किए गए। मान लीजिए कोई परिस्थिति बन जाती है, कोर्ट का आदेश आ जाता है कि किसी मुसलमान को किसी एनक्रोच की गई जमीन से हटाना है, कोई SSP पुलिस असिस्टेंस प्रोवाइड नहीं करेगा, लीगल इम्यूनिटी दी गई चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री के ऑफिस के द्वारा मुसलमानों को हिंदुओं की जमीनों पे कब्जा करने के लिए, रोहिंग्या और बांग्लादेशी को केवल जम्मू संभाग में हिंदू बहुल क्षेत्रों में बसाने का काम इस सरकार ने किया और भारत सरकार उसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व थी, हमारी सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट्स के अराउंड जम्मू संभाग में, हिंदू बहुल टाउन्स के अराउंड कश्मीर में नहीं, यहां पे रोहिंग्याज और बांग्लादेशी को सेटल करने का काम सरकारी तंत्र को इस्तेमाल करके किया गया डेमोग्राफी को चेंज करने के लिए। आपकी रिवर बेड्स, आपकी रिवर की एम्बैंकमेंट्स, आपकी फॉरेस्ट लैंड्स एक्सक्लूसिवली मुस्लिम इलीगल सेटलमेंट्स वहां पे क्रिएट की गई, स्थापित की गई। इस तरीके से जम्मू संभाग का और पूरे देश का अलग अलग तरीकों से इस्लामीकरण चल रहा है, डेमोग्राफिक चेंज का प्रोसेस चल रहा है। तो जब यह प्रोसेस जम्मू संभाग में कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज जो पाकिस्तान और ISI के एजेंट्स हैं, पाकिस्तान और ISI की फ्लैंक्स हैं और मुस्लिम ब्रदरहुड के मॉडल पे चलते हुए इंडियन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस के अंदर घुस के डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को सबवर्ट करके अपने जिहाद के एजेंडा को आगे चलाती हैं, तो क्या ये एकम सनातन भारत दल का दायित्व नहीं है कि इस जिहाद के विरुद्ध जंग खड़ी करके छेड़ के घोषणा कर दी जाए कि तुम्हारे कश्मीर को 2 हिस्सों में बांटेंगे और जम्मू संभाग को अलग राज्य बनाएंगे। जम्मू संभाग अलग राज्य बनते ही परिस्थिति ऐसी बनेगी कि सत्ता का कंट्रोल राष्ट्रवादी समाज के हाथ में आएगा। आज सत्ता का कंट्रोल इंडियन स्टेट के अनहोली अलायंस
विद द मुस्लिम एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कश्मीर के चलते कश्मीरी मुस्लिम हेजेमोनिक टोटलिटेरियन एस्टैब्लिशमेंट के हाथ में है, और ये संवैधानिक तरीके से किया गया था। आप ये जानिए कि 370 और 35 है जो हमारे संविधान के ही अनुच्छेद थे, वो किस पृष्ठभूमि में संविधान में इंट्रोड्यूस किए गए थे। आइडिया ये था कि चूंकि जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट है, इसीलिए भारत का संविधान यहां पे लागू नहीं होगा। आप जानते हैं ना कि 370 और 35 के कारण इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वुड नॉट अप्लाई टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, भारतीय संविधान जम्मू कश्मीर पे लागू नहीं होता था 370 के चलते। तो उसके पीछे का आइडिया समझिए, चूंकि जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट है, इसलिए भारत का हिंदुओं का सनातनियों का संविधान यहां पे लागू नहीं होगा। चूंकि जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट है, इसीलिए इस राज्य का अलग संविधान अलग झंडा होगा, स्टेट विद इन द स्टेट। और क्रिएशन किसकी थी? इंडियन स्टेट की। पाकिस्तान या ISI ने इस पाकिस्तान विद इन इंडिया को क्रिएट नहीं किया, आर्टिकल 370 और 35 के माध्यम से इंडियन स्टेट ने भारत की सेक्युलर पॉलिटी के अंदर एक नॉन सेक्युलर थियोक्रेटिक इस्लामिक मुस्लिम डोमेन को खड़ा किया और 370 और 35 के माध्यम से उसे संरक्षण दिया और सुनिश्चित किया कि इस मुस्लिम डोमेन में सत्ता की रेंज जो है वो हमेशा कश्मीर बेस्ड मुस्लिम एस्टैब्लिशमेंट के पास रहे। और जम्मू संभाग जो राष्ट्रवादी संभाग था, जो देश के साथ सनातनी खड़ा हुआ समाज था, उसे सेकेंड ऑर्डर स्टेटस में रख दिया, उसे गुलाम बना के रख दिया इस मुस्लिम हेजमनी का, और जिसके चलते सत्ता पे कंट्रोल करके ऐसे ऐसे कानून, ऐसे ऐसे आदेश पारित किए गए जहां पे मुसलमानों को लीगल इम्यूनिटी दी जा रही थी कुछ क्राइम्स कमिट करने के लिए, ऐसे क्राइम्स जिसकी इम्प्लीकेशन आपकी राष्ट्रीय सुरक्षा और सनातन पे डायरेक्टली थी। तो जम्मू संभाग को जब हम अलग करेंगे कश्मीर से इस पृष्ठभूमि में, तो हम इस षड्यंत्र को तोड़ेंगे, दिल्ली और कश्मीर के इस अनहोली अलायंस को तोड़ेंगे। दिल्ली और कश्मीर का अनहोली अलायंस जो 370 और 35 के बाद भी लगातार चल रहा है, 370 और 35 को बैकडोर से रीइंट्रोड्यूस करके उस अलायंस को तोड़ेंगे। मैं अपने अगले सप्त सिद्धांत पे आऊं, इस बात को समझना बहुत आवश्यक है कि 370 और 35 की एब्रोगेशन के बाद जम्मू कश्मीर में पॉलिसी इंटरवेंशन के चलते 370 और 35 को बैकडोर से रीइंट्रोड्यूस कर दिया गया है। हम किसी गलत फहमी में ना रहें, हम किसी गलत फहमी में ना रहें कि 370 35 खत्म हो गया है। 370 35 निष्क्रिय कर दिया गया है संविधान से, लेकिन बैकडोर से इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, 370 और 35 के चलते भारत का नागरिक, यही परिस्थिति थी ना कि वहां पे पब्लिक एम्प्लॉयमेंट सरकारी नौकरी प्राप्त नहीं कर सकता था, 370 और 35 के चलते यही परिस्थिति थी ना कि जम्मू कश्मीर में कोई भारत का नागरिक जमीन या प्रॉपर्टी खरीद नहीं सकता था। तो 370 और 35 के खत्म होने के बाद जब कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट से सरकार पे दबाव आया, तो इन्होंने दो इंटरवेंशंस की। पहली इंटरवेंशन ये कि इन्होंने डोमिसाइल लॉ बनाया और कानून में संशोधन करके कह दिया कि जम्मू कश्मीर में सरकारी नौकरियां केवल उन्हीं लोगों को मिलेंगी जो जम्मू कश्मीर में लगातार 15 साल से रह रहे हैं, भारतीय नागरिकों को नहीं मिलेगी, क्योंकि कोई भी भारतीय नागरिक 15 साल से लगातार जम्मू कश्मीर में तो नहीं रह रहा। तो डोमिसाइल का कानून इंट्रोड्यूस करके नौकरियां इस तरीके से छीन ली गई, भारतीय नागरिकों का हक। जम्मू कश्मीर का कोई भी व्यक्ति कहीं भी जाके फॉर्म भर के पब्लिक एम्प्लॉयमेंट सरकारी नौकरी ले सकता है, लेकिन 370 के चलते भारत का कोई नागरिक जम्मू कश्मीर में सरकारी नौकरी नहीं ले सकता था, और 370 और 35 के कारण ये था। लेकिन खत्म करने के बावजूद भी इस तरीके से इंट्रोड्यूस करके ये फिर से एक बैरियर मुस्लिम अपीजमेंट के चलते, तुष्टिकरण जो ग्रेजुएट हो गया है तृप्तिकरण पे, उसके चलते इंट्रोड्यूस कर दिया गया। दूसरा, जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी खरीदने के लिए आपको पहले परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट लाना पड़ता था। अगर आपके पास परमानेंट रेजिडेंट होने का सर्टिफिकेट है तो जम्मू कश्मीर में आप घर खरीद सकते थे, मकान बना सकते थे, जमीन खरीद सकते थे, प्रॉपर्टी बाय कर सकते थे। आज वहां पे भारत सरकार ने पुनः कश्मीरी मुस्लिम टोटलिटेरियन हेजिमोनिक एंटी इंडिया एस्टैब्लिशमेंट के प्रेशर के चलते एग्रीकल्चरिस्ट सर्टिफिकेट नाम की एक चीज इंट्रोड्यूस कर दी। परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट अब रिप्लेस हो गया एग्रीकल्चरिस्ट सर्टिफिकेट से। किसी भारतवासी को जम्मू कश्मीर में अगर जगह खरीदनी है, प्रॉपर्टी खरीदनी है, जमीन खरीदनी है,
तो उसे सबसे पहले तहसीलदार से एग्रीकल्चरिस्ट सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, और तहसीलदार एग्रीकल्चरिस्ट सर्टिफिकेट तभी देगा अगर आप या आपकी फैमिली ऑलरेडी जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी या जमीन होल्ड करती है। तो कॉन्सिक्वेंशली 370 और 35 के चलते आप होल्ड नहीं कर सकते थे, लेकिन अब ये शर्त रहती है कि ऑलरेडी अगर आपके पास जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी है तो ही आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। तो 370 और 35 को बैकडोर से रीइंट्रोड्यूस कर दिया गया दोनों ही तरीकों से। भारत की नागरिकता लेने के लिए किसी यूएस या कैनेडियन सिटीजन को नेचुरलाइजेशन के प्रोसेस से अधिकतम 11 वर्ष लगेंगे, लेकिन किसी भारतवासी को जम्मू कश्मीर में नौकरी लेनी है तो उसे 15 वर्ष वहां पर रुकना पड़ेगा। तो 370 और 35 बैकडोर से वापिस आए, और जैसा मैंने पहले बताया कि 370 और 35 कि उस अरेंजमेंट के चलते तय यह किया गया था कि जम्मू कश्मीर में सत्ता केवल कश्मीरी मुस्लिम एस्टैब्लिशमेंट को दी जाएगी। उस समय की सोच थी कि एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है जिसने हिंदू मेजॉरिटी कंट्री का दामन 1947 में थामा है, पाकिस्तान का दामन नहीं थामा है। तो जम्मू कश्मीर में अगर डेमोक्रेसी का चेहरा मुसलमान होगा तो दुनिया को हम बता सकते हैं कि इंडियन डेमोक्रेसी और सेक्युलरिज्म की कितनी बड़ी विक्ट्री है। और इस अरेंजमेंट के चलते हिंदुओं की सनातनियों की बलि दे दो, उन्हें गुलाम बना दो उन जिहादियों का, उन्हें गुलाम बना दो उन पैन इस्लामिस्ट ताकतों का जो मुस्लिम ब्रदरहुड के मॉडल पे चलते पॉलिटिकल पार्टीज का चोला पहन के जिहाद को आगे बढ़ाने का काम कर रही हैं। पिछले 70 सालों में हमने ये भुगता। तो अरेंजमेंट था जम्मू कश्मीर में सत्ता की बागडोर केवल कश्मीरी मुस्लिम एस्टैब्लिशमेंट के हाथ में ही रहेगी। अब आप 370 और 35 के खत्म होने के बाद देखिए, जिसमें ये बैलेंस ऑफ पावर शिफ्ट करने का, चेंज करने का समय आया, तो भारत सरकार ने देखिए कैसे जम्मू संभाग और सनातन समाज की पीठ में छुरा घोपा। आपको समझ आ जाएगा इसी बात से कि जब डिलिमिटेशन शुरू हुई, जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन हुआ, अब तय होना था कि जम्मू संभाग जो 10 जिले हैं, कश्मीर संभाग जो 10 जिले हैं, और जम्मू संभाग जो 3 गुना बड़ा है कश्मीर से, जम्मू संभाग को विधानसभा में कितनी सीटें मिलेंगी और कश्मीर संभाग को विधानसभा में कितनी सीटें मिलेंगी। तो हमने ये कहा, क्योंकि आप जानते हैं कि एकजुट जम्मू पार्टी वहाँ पे संघर्ष कर रही थी, मैं प्रेसिडेंट, और अभी फिर हमने परिवर्तन किया ये, और वो हमने वी डिक्लेयर्ड इट एज अ पैन इंडिया पार्टी। इस बात को हमने पब्लिक डोमेन में लाके बिल्कुल सीधे तरीके से स्थापित किया कि अगर आपको जम्मू कश्मीर में परिसीमन करवाना है, डिलिमिटेशन करवानी है, सीटों का बंटवारा करना है इस 90 मेंबर असेंबली में, तो आप 2011 के सेंसिस को आधार मत बनाइए, क्योंकि 2011 का सेंसस फ्रॉड फज्ड एंटी हिंदू एंटी जम्मू प्रो कश्मीर प्रो मुस्लिम सेंसस था। एक्सपर्ट्स के साथ बैठ के जो डेटा हमने पब्लिक डोमेन में लाया, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज मजबूर हो गई ये पब्लिक पोजीशन लेने में कि जम्मू कश्मीर में जितने भी सेंसस ऑपरेशंस हुए वो फ्रॉड और फज्ड थे। आपको जान के हैरानी होगी कि पूरे भारत में सेंसस ऑपरेशंस को भारत सरकार कंट्रोल और रेगुलेट करती है, लेकिन 370 और 35 के चलते जम्मू कश्मीर की सरकार के पास स्पेशल प्रिविलेजेस और पावर्स थी कि वो अपना भी एक सेंसिस कमिश्नर अपॉइंट कर सकता था, और भारत सरकार उस इक्वेशन से बाहर होके जम्मू कश्मीर की सरकार ही कायदे से तरीके से प्रैक्टिकली स्पीकिंग सारे सेंसिस ऑपरेशंस जम्मू कश्मीर में करती थी। और अरेंजमेंट ये था कि सत्ता हमेशा कश्मीर के हाथ में रहेगी, तो सेंसिस फज किए जाते थे। एविडेंस रखा गया, हमने स्वयं एविडेंस रखा कि 2011 का सेंसिस फ्रॉड है, फज्ड है। जहां 10 साल की डेकेडल ग्रोथ में हिंदुओं की ग्रोथ को -10% दिखा दिया हो, जो तभी हो सकता है अगर लाखों की संख्या में हिंदुओं का कत्लेआम हुआ हो, तो वो सेंसस पे कौन विश्वास कर सकता था। ऐसे ही डिटेल्ड पेपर्स हमने रखे और मजबूर कर दिया, और खासकर भाजपा को। भाजपा ने डिलिमिटेशन कमीशन के सामने लिखित में हमारा दबाव बनने के बाद, नेशनल मीडिया में बात आने के बाद, हमारे लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंसिस और अवेयरनेस कैंपेन्स और प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशंस करने के बाद भाजपा ने लिखित में डिलिमिटेशन कमीशन को दिया कि भाजपा भी मानती है कि 2011 का सेंसस जम्मू कश्मीर में फ्रॉड और फज्ड था, लिखित। लेकिन उसके बावजूद जम्मू कश्मीर में पोस्ट एब्रोगेशन जब डेमोक्रेसी को रिस्टोर करने की बात आई तो उसी झूठ को आधार बना के जम्मू कश्मीर में शैम डेमोक्रेसी को रिस्टोर किया गया। सत्ता की कमान पुनः कश्मीर में स्थापित कर दी गई, 90 में से 47 सीट्स कश्मीर को दे दी गई और जम्मू संभाग को 43 दे दी गई। 2021 के सेंसिस के आधार पर डिलिमिटेशन अगर जम्मू कश्मीर में की गई होती तो 370 और 35 की जो एब्रोगेशन थी वो उसकी नेचुरल डायरेक्शन या लॉजिकल कंक्लूजन तक चलती। जम्मू संभाग को राष्ट्रवादी समाज को 50 सीटें मिलती, कश्मीर को केवल 40 सीटें मिलती। लेकिन अल्टीमेटली 370 और 35 को बैकडोर से रीइंट्रोड्यूस करने का निर्णय हो चुका था, इसलिए जम्मू संभाग को पुनः, राष्ट्रवादी संभाग को पुनः कश्मीर का गुलाम बना दिया गया, और इनडायरेक्टली
अलग पॉलिसी इंटरवेंशन से कश्मीर के हाथ में ही सत्ता सौंप के हिंदुओं को, गैर मुसलमानों को एक सेकेंड ऑर्डर स्टेटस में, कश्मीर की एक कॉलोनी, एक होस्टेज के रूप में खड़ा कर दिया गया। और इसकी इम्प्लीकेशन ये है कि इस अरेंजमेंट में जो सनातन के इस्लामीकरण का प्रोसेस है, जम्मू संभाग के इस्लामीकरण का प्रोसेस है, वो लगातार चलता रहेगा। तो कोई भी अगर आपको ये कहता है कि 370 और 35 से हटाया तुम हिंदुओं के लिए, तो मुझे लगता है कि इन तथ्यों के आधार पे आप उनके आर्ग्यूमेंट्स को डिफीट कर सकते हैं। सनातन की बात तब तक नहीं सभ्यता धर्म के बारे में कहें या किसी और बारे में कहें जब तक गौ हत्या पर संपूर्ण प्रतिबंध लगाने की बात नहीं होती। हमने अपने सप्त सिद्धांतों में यह डाला है कि गौ हत्या पर संपूर्ण प्रतिबंध लगाया जाएगा और इस बात की घोषणा उद्घोषणा हरिद्वार की पावन धरती से हो रही है। मुझे लगता है कि ईश्वरीय कृपा है और इसे करने में हम पूरे तरीके से सफल भी होंगे। गाय गंगा और राम सेतु को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करना, ये भी हमने अपने सप्त सिद्धांतों में डाला। कुछ कानूनों को खत्म करने की बात हमने अपने सप्त सिद्धांतों में डाली। वक्फ एक्ट को ध्वस्त किया जाएगा, वक्फ एक्ट को खत्म किया जाएगा। वक्फ एक्ट जिसके चलते लैंड जिहाद या डेमोग्राफिक इन्वेजन या डेमोग्राफिक असॉल्ट या इस्लामाइजेशन ऑफ सनातन को फैसिलिटेट किया जा रहा है, बहुत कम समय में उस कानून को ध्वस्त करवाने का हम कार्य करेंगे। ये हमारी प्रतिबद्धता। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के चलते हमने तीन अपने महान मंदिरों की पुनर्स्थापना की बात दूसरे सप्त सिद्धांत में कही। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को खत्म करके, रिपील करके, क्वैश करके, तबाह करके, बस्ट करके हम 40,000 वो मंदिर जो पिछले 800 वर्षों में ध्वस्त किए गए उनकी पुनर्स्थापना का प्रण आज लेते हैं। आपने कई बार हमें कहते हुए सुना होगा कि इंडियन स्टेट इज होस्टाइल टू द इंडियन नेशन, इंडियन स्टेट राष्ट्र के खिलाफ है, सनातन के प्रति हॉस्टिलिटी रखती है। तो देखिए एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि देखिए ये भी उसका एक बहुत बड़ा एक प्रूफ है। सचर कमेटी रिकमेंडेशंस, केवल मुसलमानों को ये तमाम तरीके की सुविधाएं, धर्म कॉन्स्टिट्यूशन को सबवर्ट करके एक्सक्लूसिव प्रिविलेजेस एक कम्युनिटी के धर्म के आधार पे, और क्या में जो रिप्रेजेंटेशन है सरकारी गवर्नमेंट में जो रिप्रेजेंटेशन है वो मुसलमानों की बढ़ाई जाएगी, उसके लिए स्पेशल सेशन प्रोड्यूस किए जाएंगे, उसके लिए फ्री कोचिंग अरेंज की जाएगी और फ्री कोचिंग उसी को मिलेगी जो एक विशेष धर्म से संबंधित है। तो ऐसी तमाम तरीके की सैकड़ों रिकमेंडेशंस जो सचर कमेटी ने रिकमेंड की थी और जिन्हें 2014 से 2019 के बीच में आज की सरकार ने इंप्लीमेंट किया, उन तमाम रिकमेंडेशंस को एब इनिशियो खारिज करके, रिपील करके सब रिवर्स करवाएंगे। ये हमारा उद्देश्य है। भारत की राजसत्ता इंडियन स्टेट में पॉलिसी पैराडाइम्स, पॉलिसी फ्रेमवर्क्स प्लांट करके, सचर कमेटी रिकमेंडेशंस के जरिए इंडिविजुअल करके, अंदर से सबवर्ट करके इसे सनातन के विरुद्ध कर दिया गया और तीव्र गति से सचर कमेटी रिकमेंडेशंस और इन कानूनों के माध्यम से करने का प्रयास किया गया। इस बात की सिग्निफिकेंस को हम उस दृष्टिकोण से समझते हैं जहां पे इन कानूनों को खत्म करवाने के बाद सचर कमेटी की रिकमेंडेशंस जो मोदी सरकार ने 2014-19 के बीच में तमाम लागू कर दी, उन्हें खत्म करवाने के बाद मुझे लगता है कि हम इंडियन स्टेट के जो मूल चरित्र है उसे बदलने में कामयाब होंगे और इंडियन स्टेट विच इज होस्टाइल टू द सनातन इंडिक सिविलाइजेशन, इंडियन स्टेट विच इज होस्टाइल टू द इंडियन नेशन जो राष्ट्र के ही खिलाफ है, मुझे लगता है कि उसे ठीक करने का काम जो है वो हम करेंगे। और फिर स्टेट जो है, स्टेट एज अ पॉलिटिकल एंटिटी, सरकार उसमें एक हिस्सा है, सनातन के साथ सम होकर कार्य करेगी। और बहुत सारे ऐसे सवाल, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, सरकार ऐसा क्यों कर रही है, सरकार हिंदुओं पर अत्याचार क्यों कर रही है, मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे सवाल जो है वो भी अंत होंगे। और पहली बार एकम सनातन भारत दल एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जिसने इस प्रॉब्लम को उसके असली नाम से पुकारने का काम किया है। नॉर्मली राष्ट्र के संरक्षण हेतु ही स्टेट का निर्माण होता है,
और ये वाइल्डेस्ट इमेजिनेशन में भी हम नहीं सोच सकते कि स्टेट ही राष्ट्र को खत्म करेगी। तो हम बहुत बार कहते हैं कि इंडियन स्टेट इज एन एबनॉर्मल स्टेट, क्यों? क्योंकि ये राष्ट्र के खिलाफ है, और खिलाफ कैसे की गई है, इंपीरियल कंस्ट्रक्ट है, इन्वेस्टमेंट्स की गई, पॉलिसी फ्रेमवर्क्स प्लांट किए गए, प्रेफरेंसेस प्लांट की गई है, प्रेसिडेंट्स प्लांट किए गए इस पूरे स्टेट अपरेटस में, जिस पे विस्तार पे चर्चा तो होती रहेगी, ये लंबा हो जाएगा। जनसांख्यिकी हमले के बारे में हमने बात की, डेमोग्राफिक चेंज, बहुत सारी चीजें बताई। अब हम अपने संघर्ष को इसे आगे लेके जाएंगे। आप जानते हैं 2014 में स्वयं मैंने जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में रोशनी एक्ट की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी थी। ये क्या कानून था? रोशनी एक्ट कहता था कि जम्मू कश्मीर में जो भी व्यक्ति सरकारी जमीन पर कब्जा करके बैठ गया है, उस सरकारी जमीन के मालिकाना हक उस कब्जाधारी को दे दिए जाएंगे। पैन इस्लामिक ताकतें जो जम्मू संभाग के इस्लामाइजेशन को स्टेट अपरेटस इस्तेमाल करके अनलीश कर रही हैं, पाकिस्तान और आईएसआई के द्वारा यह कानून बनाया गया था। मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, आइडियाज प्लांट करके अपने इंडिविजुअल्स के जरिए। और इस कानून में सरकारी जमीनों के मालिकाना हक जम्मू संभाग में केवल और केवल ओवरवेलमिंगली जो केसेस प्रोसेस हुए उसमें जो सक्सेस रेट हुआ मुसलमानों को दिए गए, और हजारों कनाल जमीन पे डेमोग्राफिक चेंज करने के आइडिया से वहां पे उन्हें स्थापित कर दिया गया। 2014 में हमने इस कानून को चुनौती दी, और अक्टूबर 2020 में रोशनी एक्ट, जिसे J&K स्टेट लैंड्स वेस्टिंग ऑफ ओनरशिप टू द ऑक्यूपेंट्स एक्ट भी कहा जाता है, 6 वर्ष के संघर्ष में हमने इसे ध्वस्त करवा दिया, खत्म करवा दिया। न केवल इस लेजिस्लेटिव जिहाद को इस पाकिस्तान और ISI के और पैन इस्लामिस्ट ताकतों के एंड द इस्लामिस्ट एंड जिहादिस्ट विद इन को ध्वस्त करवाया, बल्कि कानून कोर्ट से यह भी आदेश करवा दिया कि इस कानून के तहत जितनी भी हजारों लाखों कनाल जमीन आवंटित की गई है वो सारी जमीन जो है वो वापिस ली जाएगी। तो डेमोग्राफिक चेंज के प्रोसेस को रिवर्स करवाने का कार्य सत्ता से बाहर रहते हुए हमने करवाने का प्रयास किया, और फिर वो एक पॉलिटिकल मूवमेंट बनी, आज हमने सप्त सिद्धांतों में डाला है। तो मुझे लगता है कि ऐसे बहुत सारे ऐसे कानून और ऐसे बहुत सारे ऐसे सबवर्सिव टूल्स हैं जिन्हें ध्वस्त करना इस पार्टी का दायित्व होगा, उद्देश्य होगा। 14 फरवरी 2018 के ऑर्डर के बारे में हमने बताया, वो क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट था, पब्लिक डोमेन में लाके उसे निष्क्रिय करवाया, वो एक लंबी संघर्ष की गाथा है जो सिटिंग चीफ मिनिस्टर से व्यक्तिगत तौर पे हुई। रोहिंग्याज और बांग्लादेशीज के खिलाफ हमने मोर्चा खोला ही है जम्मू कश्मीर में और पूरे देश में भी, और अब तो पूरे देश में इस बात को लेकर आगे चला जाएगा। अपनी अपनी रिवर बेड्स और फॉरेस्ट लैंड्स जहाँ जहाँ पर भी, उत्तराखंड की भी मैं बात कर रहा हूँ, आज इस पावन भूमि पर हम हैं, ये सेम मोडस ऑपरेंडी जम्मू कश्मीर में कानून बना के आदेश निकाल के सरकारी तंत्र को इस्तेमाल करके ये किया जा रहा था। पूरे भारतवर्ष में ये तरह तरह से किया जा रहा है, और जम्मू कश्मीर में भी वो नॉन स्टेट एक्टर्स एक्टिव हैं जो इस डेमोग्राफिक चेंज को, लैंड जिहाद को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। फंडेड कॉलोनाइजेशन, 1 करोड़ की जमीन है तो व्यक्ति विशेष, धर्म विशेष का व्यक्ति आपको 1 करोड़ 10 लाख रुपए देगा, ऐसा बहुत सारी जगहों पर आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि उसके पीछे आइडिया ये है, जम्मू संभाग में खासकर मैं एक्सक्लूसिवली अगर एक एग्जांपल दूं तो वहाँ पे 35% सब्सिडी दी जाती है। कोई मुसलमान अगर जम्मू संभाग में हिंदू मेजॉरिटी एरिया में ज़मीन खरीदता है तो जो पैन इस्लामिक ताकतें हैं, जो जिहादी ताकतें हैं, जिनका एंटी इंडिया एंटी सनातन का पूरा प्रोजेक्ट है, वो हवाला चैनल के माध्यम से लोकल NGOs को इस्तेमाल करके ऐसे लोगों को पैसा देने का काम करती हैं जो हिंदू एरियाज में जाके ज़मीन खरीदते हैं। ना वो आपसे इंस्टॉलमेंट्स की बात करेगा, ना वो ये कहेगा कि 1 करोड़ नहीं मैं 90 लाख दूंगा, वो 1 करोड़ 10 लाख देगा, इंस्टॉलमेंट भी में भी नहीं देगा, एकदम देगा। और एक पूर्व DGP जिनसे हमने आंकड़ा लिया था, उनको जो खबर थी वो अभी जो सब्सिडी का रेट चल रहा है वो 35%, यानी 1 करोड़ 10 लाख रुपए जो व्यक्ति देगा उसे 35% पैसा जो है वो वापस दे दिया जाएगा उन जिहादी ताकतों के द्वारा, क्योंकि उसने जाके हिंदू एरियाज में जमीन खरीदी, और ये लगातार चल रहा है। तो इस चीज से भी हमें जागरूक रहना है और संघर्ष करना है। ये बहुत एक सबवर्सिव प्रोसेस है जो पूरे सनातन के विरुद्ध खड़ा किया गया है। और अंत में जो 7वां सप्त सिद्धांत है, हमने कहा कि केवल विकास नहीं, केवल ग्रोथ डेवलपमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट आते हैं, केवल वही नहीं, आज संत महात्मा हमारे मंच पे हैं, आध्यात्म को आधार बना के विकास की परिकल्पना एकम सनातन भारत दल रहे हैं।
आध्यात्म के साथ संस्कृति, संस्कृति के साथ स्थानीय भाषा, स्थानीय भाषा और पर्यावरण के साथ संपूर्ण विकास की हमारी परिकल्पना है, जो सनातन के मूल्यों में जाके कहीं आपको दिखेगी। तो मेरा यही निवेदन है कि इन सब सिद्धांतों पर खड़े होके एकम सनातन भारत दल की यात्रा शुरू हुई है। ये हमारी फाउंडेशन है। अभी दूसरे सेशन में बहुत सारी बातों का आदान प्रदान भी होगा। आप अपनी कमर कस लीजिए, 2024 के चुनाव के लिए कस लीजिए। इन सप्त सिद्धांतों के चलते आज देश में ये रियलाइजेशन है कि ये सनातन धर्मियों के असली मुद्दे हैं, जिन्हें आज तक किसी पॉलिटिकल पार्टी ने आर्टिकुलेट नहीं किया। और आज हम आम पृष्ठभूमि से लोग यहाँ पे बैठे हुए इतनी भारी संख्या में आज जब पार्टी बनाने की घोषणा कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये वाकई ऐतिहासिक क्षण है, क्योंकि बिना किसी बैगेज के आज सनातन कम्युनिटी में, सनातन समाज में जो मोबिलाइजेशन हुई है, उस मोबिलाइजेशन का परिणाम है कि इतनी भारी संख्या में आज लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। और मुझे लगता है कि आम व्यक्ति जब क्रांति के लिए खड़ा होता है तो ही असल क्रांति आती है। सनातन क्रांति का समय आ गया है, एकम सनातन भारत दल का समय आ गया है। ये एक ऐसा आइडिया है जिसका समय आ गया है, और मुझे नहीं लगता कि कोई भी अब हमें रोक सकता है। वी हैव टू बी कंसिस्टेंट, सशक्त होके, एकजुट होके आगे की यात्रा करनी है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स क्या बनाए जाएंगे उसके बारे में जानकारी दी जाएगी, किस तरीके से 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में हमारी टीम्स का गठन होगा। वहाँ पे भी स्टेट प्रेसिडेंट्स होंगे, यूटी प्रेसिडेंट्स होंगे, उनकी टीम्स होंगी। नीचे फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल तक टीम बनाने का कार्यक्रम शुरू किया जाएगा, ब्लॉक लेवल तक, पंचायत लेवल तक, और अल्टीमेटली बूथ लेवल तक। और मुझे लगता है कि आने वाले 2024 के चुनाव में इसी जोश के साथ अगर हम पूरे देश में काम करेंगे, तो 2024 के चुनाव में पूरा भारत ही यही कहेगा कि अब तो केवल विकल्प की बात छोड़ दीजिए, सनातनियों के लिए 24 में पार्टी ही एक है, वो एकम सनातन भारत दल है। बहुत बहुत धन्यवाद।